नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सेक्स के असफलता को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सेक्स की समस्या आजकल एक गंभीर समस्या बन गई है। यह समस्या हमारे गलत खान पान से या फिर हमारे गलत हरकतों के कारण होती है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे लोग डॉक्टर को या किसी अन्य व्यक्ति को बताने में शर्माते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सेक्स के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं जिसे आप घर पर ही कर सकते हैं। पहला उपाय, इमली के बीज की लगभग आधा किलो की मात्रा लें। इसे दो हिस्सों में बराबर करके बांट लें। अब इन बीजों को कम से कम 3 दिनों के लिए पानी में भिगोकर रख दें। जब बीज पानी में अच्छी तरह से भीग जाए तो इसका छिलका उतार लें। इसमें से निकले सफ़ेद रंग के बीजों को बारीक करके पीस लें। इसके बाद लगभग आधा किलोग्राम पिसी हुई मिश्री में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को किसी कांच के बर्तन में भरकर रख दें। इस तरह से तैयार किए हुए मिश्रण की आधे चम्मच की मात्रा को सुबह के समय दूध के साथ और आधा चम्मच रात को सोने से पहले दूध के साथ खाएं। इस उपाय को करने से शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाती है, इस समस्या से निजात मिल जाती है। इसके अलावा ताकत भी बढ़ती है। दूसरा उपाय, लहसुन का उपयोग। लहसुन के उपयोग से सेक्स पावर बढ़ती है, लेकिन लहसुन के इस गुण के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह केवल भोजन के स्वाद को नहीं बढ़ाता, बल्कि सेक्स पावर को भी बढ़ाता है। रोजाना लहसुन की 2 से 3 कली और प्याज का सेवन करना आरंभ कर दें। इसके अलावा यदि आप एक सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार काले चने को अपने भोजन में प्रयोग करते हैं तो और भी लाभकारी होगा। तीसरा उपाय, तुलसी का उपयोग। तुलसी के पौधे में से बीज निकालकर लगभग 15 ग्राम की मात्रा लें। इसमें 30 ग्राम सफ़ेद मूसली लेकर बारीक चूर्ण बनाएं। इसके बाद इन दोनों के चूर्ण में लगभग 60 ग्राम मिश्री को पीसकर मिला दें। अब इन सभी के मिश्रण को कांच की शीशी में भरकर रख लें। रोजाना 5 ग्राम की मात्रा को सुबह शाम खाने से यौन दुर्बलता दूर हो जाती है। चौथा उपाय, सफ़ेद मूसली की लगभग 15 ग्राम की मात्रा को 1 कप दूध के साथ पकाकर पिए। इस उपाय को कम से कम दिन में 2 बार करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। पांचवा उपाय, कच्चे गाजर का जूस बनाकर पिए। इसके अलावा एक हफ्ते में कम से कम 2 बार भिंडी और सहजन की सब्जी का सेवन करना चाहिए। इस उपाय को करने से यौन दुर्बलता दूर हो जाती है। खजूर, पिस्ता और श्रीफल के बीजों की एक समान मात्रा लें। इन सभी को आपस में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण की लगभग 100 ग्राम की मात्रा को रोजाना 1 गिलास दूध में मिलाकर पी जाए। यह एक आसान और असरदार उपाय है। इसके अलावा 30 ग्राम किशमिश को गुनगुने पानी में धोकर 200 से 250 मिलीमीटर दूध में मिलाकर पका लें और इसका सेवन करें। इस उपाय को करने से मानक यौन दुर्बलता दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको दी है। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।